गुरुवर के आने से मन हर खायो, मेरे भाग खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियां है छाई, ज्ञान की गंगा आई, मोर पपीहा कोयल साज सुनायो। बारिश खेर मुझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। मेरे भाग खेले हैं,
मौसम मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आओ जी आओ गुरु, आओ जी आओ, मेरी आगनी आओ, गाओ रे गाओ सब मिल कर गाओ। सगहरम पासम पासम वंदानी तमघन मुक्कां सर्विस्मिनासम मंगल कल्याण आवासम इसार पुलिंगमंतम कंठे धारय जोस्यामणुओ तस्य गहरो गमारी दुठ जरा जंति सामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुजपनामो वि बहुफल होय नर्तिरियेषु वि जीवा पावंती न दुख दो गच्छन्तु ए समत्ति लद्धि चिंतामणि कप्पायव बहिये पावंती अविघेनम जीवाय रामरम ठाणम ये संथुओ महायस भक्ति भर निब्रेण हिएन तादेव दिज बोहिन भवे भवे पास गिन चंद भवे भवे पास गिन चंद भवे भवे पास गिन चंद श्री चतारि मंगल वरियंता मंगलम चट्टा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चतारि लुक्तमा नियंता लुक्तमा सिद्धा लुक्तमा साहु लुक्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुक्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि अंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली कृपया दया धर्म का शरणा ये चार शरण महापुरुषों की जय। कौन कौन चाहती है कि जिन शासन की प्रभावना हो, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कौन कौन चाहती है कि गुरु भगवंतों को सुख साता रहे, सभी चाहते हैं। कौन कौन चाहती है कि श्री संघ की शोभा बढ़े, सभी चाहते हैं। तो ध्यान रखना, अभी बातें नहीं करनी, साथ चलोगे या तो जयकारे में बोलना या मन मन में नवकार मंत्र पढ़ना। जिनका भी चातुर्मास प्रवेश पहले हो गया, आज हो रहा है, कल परसों होगा, सब संतों को साध्वी भगवंतों को साता रहे, जिन शासन की प्रभावना हो, ये मंगल कामना करनी है। तो इस भावना के साथ अभी प्रस्थान करेंगे। माता जी आगे पधारो, भाई जी चहोर शोर है, मन ये मोर है, छट गई रात और भई ये भोर है। चहोर शोर है, मन ये मोर है, छट गई रात और भई ये भोर है। कदम तुम्हारे द्वार हमारे, बजे शहनाई शंख आज। कदम तुम्हारे द्वार हमारे, बजे शहनाई शंख आज। स्वागत है सूरीराज, स्वागत है सूरीराज, स्वागत है सूरीराज, स्वागत है सूरीराज।
दरिया जैसा हृदय विशाल हो, परिवर्तन की तुम ही मशाल हो। दरिया जैसा हृदय विशाल हो, परिवर्तन की तुम ही मशाल हो। वो तेरा आगमन महके कण कण आज, सजे ये खानदेश भी साज। तेरा आगमन महके कण कण आज, सजे ये खानदेश भी साज। स्वागत है सुरीराज, स्वागत है सुरीराज, स्वागत है सुरीराज, स्वागत है सुरीराज। तुम्हारा मेरु शिखर सा, प्रवचन तेज भी सूर्य प्रखर सा। सत्व तुम्हारा मेरु शिखर सा, प्रवचन तेज भी सूर्य प्रखर सा। ओ पुस्तक सर्जन प्रेम के अंजन, तुम ही करो दिल मेरा आज। पुस्तक सर्जन प्रेम के अंजन, तुम ही करो दिल मेरा आज। स्वागत है सुरीराज, स्वागत है सुरीराज, स्वागत है सुरीराज, स्वागत है सुरीराज। बलसाना तीर्थ के पथ दर्शक, छवि तुम्हारी है मन आकर्षक। बलसाना तीर्थ के पथ दर्शक, छवि तुम्हारी है मन आकर्षक। चरण तुम्हारे शरण हमारे, रत्न सुंदर गुरु राज। चरण तुम्हारे शरण हमारे, रत्न सुंदर गुरुराज। स्वागत है सुरीराज, 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 स्वागत है सुरीराज। ओ राह निहारे प्रेम दीवाने, दुलिया वाले गुरुवर हो। आप पधारे खुश है सारे, चरण पखाले गुरुवर हो। आशीष चाहे तुम गुण गाए, तुम रखवाले गुरुवर हो। मन मंदिर में सजा सिंहासन, तुम ही विराजो गुरुवर हो। मन मंदिर में सजा सिंहासन, तुम ही विराजो गुरुवर हो। मन मंदिर में सजा सिंहासन, तुम ही विराजो गुरुवर हो। मानसा रमेश जी बोरा जो यशवंतपुर से, उन्होंने भी चातुर्मास की आज्ञा का लाभ लिया है। चार महीने जो भी धर्म ध्यान होगा, वर्षी तप होगा, केला होगा, अठाई होगी और जितना भी जाप होगा उसका भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। खूब खूब साधुवाद श्रीमान साहब। कोमल चंद जी धोखा, कोमल चंद जी धोखा, मिठालाल जी पटवा, सबके वर्षी तप है, सबके वर्षी तप है। और सबसे बड़ा जो शगुन है हमारे स्वर्ण संयम आराधक परम पूज्य श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब और हमारे बहन जी महाराज साहब,
धर्म प्रभावी का परम विदुषी आगम ज्ञाता श्री विपुल दर्शना जी महाराज साहब, उन्होंने इतना सुंदर शगुन किया है तो ये चातुर्मास तो अपने आप ही सब गुरु कृपा से सफल होने वाला है। तो आप सब राजेश जी खरीवाल जिन्होंने चातुर्मास आज्ञा का लाभ लिया है, आप सब ने मिलकर बोलना है। चातुर्मास में जो भी ऊपर का माला है, प्रवचन हॉल, कमरे इत्यादि, उनके उपयोग की आप की ओर से आज्ञा है। आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है। सभी मिलके साथ बोलों को धन्यवाद, धन्यवाद। आज्ञा देने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी श्रावक श्राविकाएं उपस्थित हैं, मन मन में सभी 5 नवकार मंत्र का जाप करें और फिर गुरु भगवंत स्थानक भवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि समय कम है, पूज्या मास आदमी जी का भी प्रवेश होना है। उस कारण मन मन में श्रद्धा से सभी जाप करें। नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो अयरियानं नमो उपचायानं नमो लोहे सर्वसाहूनं नमो वज्रमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलांचे सर्वे सिंह परमहवै मंगलं मंगलांचे भगवान की जय। श्री सतगुरु भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। कलश वाले कहाँ हैं? कलश वाले इधर चलो, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, बाबूजी आगे आगे चलो, घूम जाओ, हाँ, इधर आ जाओ, आइए जल्दी आइए, बीच में मत पीछे आ जाइए। Thank you.
छत्रपति श्री वीरेंद्र सिंह जी महाराज अपने के मुखारि से आप और सभी को मंगलाचरण प्रदान करेंगे। आप सभी खड़े होकर मंगलाचरण श्रवण करें, सभी भाई बहने खड़े हो जाए और उसके बाद ताता की जो जी स्तुति का गायन मंगलाचरण के बाद ताता की जो जी स्तुति का गायन मुझे महासते जी अपने मुखारि से करवाएंगे।
श्रमण संघीय महानारायण आचार्य प्रभात ज्ञान योगी परम सदे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहेब जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव चौकमल जी महाराज साहब के पर पुत्र पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी श्री विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य अत्र विराजे पूज्य गुरुदेव स्वर्ण सही आयाजक सेवा शिरोमणि श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहेब उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव भंडारी श्री बदन चंद जी महाराज साहेब उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहेब के सुशिष्य श्रमण संघीय उप प्रवर्तक सेवा सुनेरु पूज्य गुरुदेव श्री पंकज मुनि जी महाराज साहेब दक्षिण सूर्य ललित लेखक पूज्य गुरुदेव श्री वरुण मुनि जी महाराज साहेब पूज्य गुरुणी मैया किरण प्रभा जी महाराज साहेब की सुशिष्या अत्र विराजित प्रज्ञा किरण प्रखर वक्ता पूज्य गुरुवरिया श्री विपुल दर्शना जी महाराज साहेब आदि थाना एवं समस्त संत सती वृंद के पवन चरण कमलों सविधि सविनय सत सत वंदन नमन। बंधुओं राजा जी नगर से संघ का अहोभाग्य परम सौभाग्य कि आज इस पावन प्रांगण में दोनों सुअवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मासिक मंगलमय प्रवेश और उसके पश्चात पूज्य गुरुवरिया श्री विपुल दर्शना जी महाराज साहब का श्री रामपुरम स्थलक में प्रवेश हेतु यहाँ से प्रस्थान। इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का श्री संत हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। बंधुओं यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें पूज्य गुरुवर्तों को यह पावन चातुर्मास प्राप्त हुआ है। यह चातुर्मास प्रवेश हमें कुछ सीख देने आता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने आता है। साधना का यह प्रवेश है, तप त्याग का यह प्रवेश है और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस चातुर्मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करें, धर्म प्रभाव ना करें। बंधुओं मैं आज उपस्थित सभी महानुभावों का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सर्वप्रथम मेरा निवेदन रहेगा आज स्वागत गीत के लिए हमारे राजा जी नगर त्रिशला महिला मंडल एवं त्रिशला भूमंडल से मेरा नम्र निवेदन, कृपया आगे पधारें एवं स्वागत गीत की प्रस्तुति करें। Yeah.
कीर्तन कर शासन पति श्रवण भगवान मानवीय स्वामी के पावन चरणों में वंदन राष्ट्र संत आचार्य भगवान देवीदास जी पूज्य आनंद सिद्धि महाराज साहब ज्ञान योगी आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को वंदन नमन समण संघ सेवा शिरोमणि पूज्य वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब समण संघ उपवर्तक श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब ललित लेखक श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा प्रखर वक्ता पूज्य विपुल दर्शनाथी महाराज साहब आदि ठाणा के पावन चरणों में सब विधि वंदन नमन चातुर्मासी प्रवेश की पावन मेला पर उपस्थित भाइयों माताओं बहनों बाद गांव से पधारे व बेंगलोर नगरों से पधारे सभी जिन शासन अनुयायियों का श्री वर्तमान स्थान वासी जैन श्रावक संघ हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। पूज्य सेवा शिरोमणि वीरेंद्र मुनि साहब महाराज साहब आप हमारी विनती को मान देकर यहाँ पर पधारे श्री संघ आपकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। पूज्य विपुल दर्शना जी महाराज साहब आदि ठाणा में छह ने श्री संघ पर मेहनती कृपा की और बहुत धर्म लाभ सेवा अवसर हमें दिया हमारी पात्रता से भी ज्यादा हमें भरोसा है आपकी भी बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ हमारे द्वारा हुई किसी भी प्रकार की अभिनय आसाधनाओं के लिए हृदय के अंतकरण से क्षमा याचना साथ ही विनम्र विनती आप पुनः पुनः पधारे हम सभी की ओर से आपको 2024 वर्षवास हेतु मंगल कामनाएं और श्री श्रीरामपुरम संघ को अनेक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। संघ की प्रबल पुण्याई आप सबकी प्रार्थना हमारे निरंतर प्रयासों की बदौलत आज का ये गौरवमय पावन दिन हम सभी के लिए प्रकाश पर्व के रूप में जीवन को धर्ममय ज्ञानमय तपोमय चारित्रमय सेवामय व पितृ दर्शन से प्रकाशित करेगा। सभी सहयोगी श्री तिसला महिला मंडल तिसला बहुमंडल रामी कन्या मंडल राजाजी नगर युवा जैन मित्र मंच चिनेश्वर युवा मंडल ट्रस्टीगण कार्यकारिणी व समस्त सदस्यगण आप सभी से विनम्र आग्रह सहयोग व सहभागिता निरंतर बनाए रखें। आप सभी संघ की अमूल्य धरोहर व प्रभु वीर की अनुपम कृति हो हम पदाधिकारी आपके द्वारा व आपके लिए ही है जिन्होंने चतुर्मास हेतु अर्थ सहयोग दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक आभार। आप सभी से आग्रह आप भी जरूर जरूर सहयोग राशि दिलावे वित्त समिति व पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। आप स्वेच्छा से भी हमारे कोषाध्य श्री प्रसन्न जी मलगढ़ या अन्य पदाधिकारी व फंड समिति के सदस्यों के पास भी लिखा सकते हैं सहयोग के साथ अपने सुझाव भी देवे ताकि व्यवस्था अच्छी बने आपके सुझाव से संघ का विकास होगा। एक बार पुनः आग्रह आप परिवार इष्ट मित्रों संबंधियों से चिन्हवाणी श्रवण कर पुण्य वृद्धि करें। मैं आग्रह करूंगा संघ के मंत्री देवीचंद जी दलाल सह मंत्री राकेश जी दलाल कोषाध्यक्ष प्रसन्न जी मलगढ़ निवर्तमान अध्यक्ष जम्बू जी दुगढ़ पूर्व अध्यक्ष श्री मनसा कटारिया बरलाल जी चौड़िया निवर्तमान मंत्री गौतम शाह मेहता सभी आगे आए आप सभी का अभिवादन गुरु भगवंत से आशीर्वाद ग्रहण कर सभी का अभिवादन ग्रहण करें। हमारे संघ के उपाध्यक्ष रोशन नाहर जयमल अनुसंधान भूमि शिलान्यास हेतु ब्यावर में है वो आज उपस्थित नहीं है। ज्ञान जी लोढ़ा भी आगे पधारे पारस मंसा लोढ़ा भी आगे पधारे डलती धूप हो या भोर की लाली माँ डलती धूप हो या भोर की लाली माँ तपती दुपहरी हो या अमावस की काली माँ प्रतिपल हो आत्मा में शुद्ध भावों का बसेरा प्रतिपल हो आत्मा में शुद्ध भावों का बसेरा रहे जहां भी हम हरदम हो वह जल चिन्हवाणी का सजग पहरा सत्य अहिंसा अपरिग्रह का जगाए अलग सत्य अहिंसा अपरिग्रह का जगाए अलग अंतर मन से क्षमा के सागर से हो गहरा नाता
फिर मच्छर की तरह टूट कर बिखरने लगेंगे, पाप कर्म निकल जाएगा, आचरण का संबंध चेहरा यही हो मार्क्स वो चेहरा यही हो मोक्ष मार्ग का कभी न साथ छोड़ने वाला सवेरा। मेरा युवा अध्यक्ष व मंत्री आप भी आगे बढ़ाए, गुरु भगवंतों से आशीर्वाद लेकर सभी का आशीर्वाद सभी का अभिवादन ग्रहण करें। हर्ष 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ाए और ध्यान दें ये जो ब्लू शर्ट में है भाई हमारे ये कौन सा मंडल है? हमारे सेवा चक्रवर्ती स्वर्ण संयम आराधक सर्व आत्मा धर्म प्रभावक प्रवचन भूषण परम पूज्य श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब जो आज मेहनती कृपा करके यहाँ पधारे हैं। युवक मंडल के जो मंत्री महोदय हैं वो कहाँ के हैं? नमित भाई कल बिहार में मेरे को पूछ रहे थे, मेरा जाप कर रहा था तो बोलना था नहीं, पूछ रहे थे बाकी आप ठीक खाना क्या खाना कितना खाना है बिल्कुल। तो आज मैं भी महसूस कर रहा हूँ हमारे विद्याभिलाषी श्री लोकेश मुनि जी महाराज साहब उनकी भी प्रबल भावना थी और मैं भी सोच रहा था कि तीन संत पाटे में बैठेंगे कैसा लगेगा और गुरुदेव की ऐसी कृपा कि हमारे सेवा चक्रवर्ती परम पूज्य श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब पधारे हैं और उनके चरणों के साथ जो पधारे हैं मंजूनाथ श्री संघ से वहाँ का जो भी युवक मंडल है या बिहार सेवा ग्रुप है या जो भी भाई वहाँ से पधारे हैं ब्लू शर्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आपका बहुमान श्री संघ की ओर से किया जा रहा है। पधारो सर अध्यक्ष जी सभी आओ परसमन सर वही स्वागत ही हो रहा है ये जप माला से स्वागत हो रहा है जो भी नवकार मंत्र 27 श्लोक 27 उपसर्ग घंटा का स्तोत्र इसके द्वारा आपने करना है। आप सभी का बहुत बहुत संत परिवार की ओर से श्री संत की ओर से राजा जी नगर की ओर से अभिनंदन समय समय पे। हाँ जी मंजूनाथ नगर वालों अभी आप रुकना जिनका नहीं हुआ उसको यही रखना मैं आग्रह करूंगा अब कार्यकारी सदस्य जो भी यहाँ पर उपस्थित है कृपया आगे आए श्रीरामपुरम श्री संघ से जिन्होंने आज विपुल कृपा बरसाई है ऐसे हमारे बहन की मर्षा मुझे सौभाग्य मिला है आनंद भवन की मानस पुत्री भगवती स्वरूपा महाश्रमणी श्री किरण चिरापुरम वाले आगे खड़े हो जाए नहीं बंधन का आगे ना रखो प्लीज समय कम है फिर माँ सती जी का लेट होगा फिर आप मेरे को एक एक जन एक एक भाई का बहुमान करते जाए पता नहीं आप बुलाएंगे तो भाई जरूर आएंगे फूलों का तारों का संपर्क कहना है फूलों का तारों का संपर्क कहना है मैं तो बहनों के लिए बोल रहा हूँ आप भी बोलना चाहते हो फूलों का महेंद्र जी धोका उनके परिवार से जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं भाई या बहने पूरा दिन कल सेवा में लगे रहे श्री मानसा महेंद्र जी धोका उनके परिवार से भाई या बहने जो भी हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाएं और इधर ज्ञानू भाई आपका घर बहन ललिता जी आपका घर
इधर से दो तीन भाइयों को युवक मंडल के अध्यक्ष की वहां तक पहुंचाए। बहन ललिता जी आपको आपको नहीं दे रहे, अभी कुछ सेवा की नहीं, अभी कुछ काम करोगे फिर बहुत बात होगा। ये सभी महाशक्ति जी को आप दे दो, महाशक्ति मां सबको आप दे दीजिए। और बहने आगे पधारी, महाशक्ति जी के हाथ से आपको मिल रहा है, और जो भी है वो कुछ ना कुछ पचपन जरूर ले की याद करना है। 27 अवतार का 27 लोकस का हाँ, सभी महाशक्ति जी को भेंट कर दो। आप देखने आ रही है, आपके पास आ रहे हैं जी, सभी कार्यकर्ता कोई भी रहना नहीं, श्री राजा जी नगर से जो जो भी युवक मंडल की हैं वो सब भेंट करेंगे। अभी आप और हम सभी शरण करेंगे हमारे आगमदाता पर ऋषि महाशक्ति श्री विपुल दर्शनानी साहब, उनका मुहूर्त में उद्बोधन आप और हम सभी शरण करेंगे। माइक की व्यवस्था वहां पे कर दीजिए। इसको इतना सुंदर बनाना
इतना अच्छा बनाना कि जिसके माध्यम से आपका जीवन सही मोड़ पर आ जाए। इसका एक सबल एहसास आपके भीतर रह रहे हैं। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब आए तब यहाँ की श्रीरामपुरम में एक जगह चतुर्मास है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया हमारी चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार होते गए। बराबर है ना? मेरी हमारे कितने नजदीक है, चतुर्मास के दौरान जब ऐसे बड़े हाथ अपने सिर पर होते हैं तो निश्चित रूप से एक निश्चितता का एहसास भीतर में होता है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि चारों तरफ हमारे वरिष्ठ साधवी वृंद एवं संत वृंद हम पर आशीर्वाद बरसाने के लिए इस वैष्णव नगरी में उपस्थित है। और निश्चित रूप से आप सभी श्रावक श्राविकाओं का साथ इस वर्षावास में बहुत सुंदर रूप से प्राप्त होने वाला है। उसके साथ आज एक विनती करूंगी, पूज्य श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब से कि आज आपके मंगल आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन जब हम स्नानक में प्रवेश करेंगे तब भी हम आपके पीछे पीछे प्रवेश करें। आप हमें आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पधारे ताकि चतुर्विध संघ के साथ में वहां का भी प्रवेश संपन्न हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी विनंती को निश्चित रूप से स्वीकारोगे और वहां पर पधारने की कृपा करोगे। फिर से एक बार राजाजी नगर श्री संघ का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस संघ में पूज्य गुरुदेव का स्मृति दिवस अष्ट दिवसीय समारोह के साथ संपन्न करने का मौका मिला। होली वर्षावास आप लोगों की बहुत विनंती थी कि बड़ा वर्षावास हो, नहीं तो होली वर्षावास। लेकिन देखिए उस वर्षावास के निमित्त से आए तो एक वर्षावास तो हमारा बैंगलोर नगरी में हो गया है। अब ये दूसरा वर्षावास शुरू होने जा रहा है। जहां जहां भी हम पधारे हैं गए हैं, बैंगलोर वासियों की भक्ति हमने देखी है। और फिर से राजा जी नगर वालों की विनती थी कि प्रवेश यहाँ से हो। जब महाराज साहब का चतुर्मास का पता चला तब हमने बहुत बार कहा कि हम लोग कहीं और से प्रवेश कर लेंगे, लेकिन संघ की बहुत ज्यादा भक्ति रही कि आपको यहीं से पधारना है। श्री संघ का भी ये भक्ति भाव निरंतर बना रहे और श्री संघ संतों के सानिध्य का बहुत सुंदर लाभ लेता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष जय जय। जिन्होंने गागरा जोड़े के साथ, जिन्होंने पांच परिवारों ने अगर प्रसाद प्राप्त किया है, वो अगर धर्म सभा में हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं जल्दी जल्दी। और मंत्री अध्यक्ष महोदय, जितने आपके कार्यकारिणी हैं, कल से प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। समय क्या रहेगा? 9:15 से 10:15। हाँ, तो 9:15 आप याद रखना, 10:15 हम याद रखेंगे। 9:15 बजे यहाँ पधार जाना। कल से ही मंत्री महोदय बोले एक दो दिन आप आपकी रेस्ट ले लो, मैंने कहा हमारा जिम्मानी ही हमारा रेस्ट है। अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान की है। मैं सभी विभिन्न क्षेत्रों के संघों के संस्थाओं के पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर उत्तराजी साहब मेहता, जॉइंट कॉन्फ्रेंस प्रांतीय कोषाध्यक्ष गौतम राजी मेहता, माननीय हस्तिमणी साहब भावना, महामंत्री जी उपस्थित है, आखिरी सेशन से हमारे अध्यक्ष दीपचंद जी साहब बंसाली, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बंधुओं, आज का मंगलमय प्रवेश के जो लाभार्थी परिवार हमारे कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान महेंद्र कुमार जी धोखा अजय बोली श्री शत्रु भगवान की सुनी चिंता करें। आमंत्रित करना चाहूंगा युवा कॉन्फ्रेंस बिहार सेवा बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं वो आगे बढ़ाए और बड़े भारत साहब के कर कमलों से ये जब आना ग्रहण करें। SMS बिहार सेवा ग्रुप के भी सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो वो भी आगे बढ़ाए और बोले के कर कमलों से ये जब माना प्राप्त करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है।
देखिए दादा लंबा प्रोग्राम में केवल 10 मिनट का, 5 मिनट मुझे रोकना है, 5-10 मिनट भाषण करवाएंगे और फिर मंगल पाठ होना है, इतना ही कार्यक्रम है। मैं एसएमएस बिहार से आकर उनके घर पानी कटा जाए, राजा जी नगर वाले अभी नहीं आना, हाँ एसएमएस वाले
गुरु कृपा से महापुरुषों के अनुभव को श्रवण करने वाले श्रोताओं बहनों चातुर मास के कितने महीने बस चार बातें संक्षेप में आपको बता रहा हूं और आप सभी को याद करो मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम स्तुति भद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम ध्यान दें चातुर्मास आप संतों को लेके आए राजा जी नगर वाले पीछे युवक मंडल बैठे किसको लेके आए राज के जी अंतर आप आए हमको लेने के लिए किस लिए आए हो किसके राय किसके लिए राय धर्म ध्यान के लिए और तपस्या के लिए और जिनवाणी सुनने के लिए और नहीं एक उत्तर जो है आपके हैं या अटे हटाए कैसे उठाते लाए या उनके उत्तर आपने बोला जिनवाणी सुनना है तो संत को सुनाने को चार महीना तैयार है आप सुनने को तैयार हो रोज आओगे रोज आओगे कितने बजे आओगे ध्यान दीजिए चातुर्मास 150 किलोमीटर यहाँ से चल के गए कृष्ण गिरि तक वहां से चेन्नई जाना है लेकिन दाना पानी कहाँ का रखा होगा दक्षिण भारत में आए लगभग 8-9 साल हो गए चेतन भाई कितने साल हो गए 2015-16-17 में आए ज्ञानो भाई लेके आए थे गुना सिंह 17 में आए थे अभी 24 आ गए चातुर्मास हुआ सिकंदराबाद हुआ ललिता में कोयम्बतूर हुआ कन्याकुमारी हुआ चेन्नई में दो चातुर्मास राजेश भाई बैठी है सुलूर बेट में आंध्रा में चातुर्मास हुआ एक जो कमी थी वो कमी भी क्या हो गई कर्नाटक में नहीं हुआ था बेंगलोर में नहीं हुआ था तो केजीएफ में हुआ पहला चातुर्मास ठीक हो चातुर्मास में चार काम करने क्या करने हैं आप सभी के लिए जहाँ जहाँ से मंदिर काम नगर से यशवंतपुर से श्री रामपुरम से त्यागराज नगर से जहाँ जहाँ से आप पढ़ा रही है चातुर्मास में चार काम करने हैं पहला काम मंगलम भगवान वीर भगवान महावीर के जीवन से हमें शिक्षा लेनी है कि इस चातुर्मास में साधना करनी है क्या करनी है श्री आचार्य सूत्र अगर आप उठाते पढ़ते देखेंगे दूसरे शुद्ध स्कंद में भगवान महावीर की साधना का वर्णन आता है और वो साधना अगर आप पढ़ेंगे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्या हो जाए ऐसी साधना हमारे युवक मंडल के भाई आप आगे बढ़ा रहे फिर लाए रहोगा तुम्हारा पाप निकल जाएगा आगे बढ़ा रहे तेरे को बार बार याचना कर रहे हैं पर नहीं और मैं सीख जाऊंगा मेरे सामने अच्छी बात तो भगवान महावीर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें साधना करनी है और भगवान महावीर का साधना काल कितना 12.5 वर्षों में भगवान ने गोचरी कितने दिन की 12.5 वर्षों के दिन कितने आप हिसाब लगा लेना और उसमें केवल 3-4-9 मेरा गणित थोड़ा बचपन से कमजोर है कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लेना 349 डेज केवल गोचरी की भगवान ने 12.5 वर्षों में और ध्यान देना एक साथ एक दिन में कभी दो बार गोचरी नहीं की एक दिन में दो बार गोचरी नहीं की और एक साथ दो निकाशे नहीं की समझ रहे
सब उपवास किए और उपवास भी कौन से आपको लगेगा ललिता बहन ललिता बहन आपकी बात आप बुला रहे हैं सच बोलो मेरे को सब पहले ही हम ऐसी लगती है पहचान ही नहीं आती उनकी पहचान इसलिए है कि वो टेढ़े टेढ़े पारना करती हर महीने एक टेढ़ा दो टेढ़ा करती रहती है तो वो पुरानी पहचान एक याद बनी हुई है नहीं तो पहले मेरे को सब यही ऐसी लगती है क्षमा करना तो भगवान महावीर के जीवन से हमें सीखना है कि हम क्या करें चार महीने साधना करें पांच महीने ये शरीर की साधना तो बहुत की इसको तो ब्राह्मण की इडली और नगर पेट का डोसा और पता नहीं क्या क्या मैं तो अभी इतनी सुनाई बात कर रहा हूँ जितना जितना आए बाकी तो चार महीने में मालूम पड़ेगा बेंगलोर की क्या क्या फेमस है तो पांच महीने वो साधना की अब चार महीने आत्मा की साधना करें तब की आराधना करें दूसरी बात मंगलम भगवान की रो मंगलम गौतम प्रभु कैसे भगवान का निर्वाण हुआ तो उनके समोसरण में दक्षिणा देने का अधिकार श्री गौतम स्वामी जी को था 50,000 केवल ज्ञानियों के बीच वो उपदेश धर्म संदेश फरमाते थे ध्यान देना गौतम स्वामी की जिन्होंने समर्पण की साधना की अध्यक्ष महोदय किसकी साधना की गुरु जो कहें वो करना या हम जो कहें वो गुरु महाराज को करना तो समर्पण की साधना 50,000 केवल ज्ञानी जिनके शिष्य हैं उस बात का गौतम स्वामी जी को आनंद है कि मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ इस बात का आनंद है जितने वर्षों तक भगवान के साथ रहे अपनी इच्छा कभी गुरु के ऊपर नहीं डाली गुरु की जो इच्छा थी तहत वचन किसका नाम है समर्पण तो हमें चार महीने समर्पण की आराधना करनी है समर्पण की साधना करनी है और तीसरी बार बोलो सभी को याद मंगलम भगवान महावीर से साधना सीखनी श्री गौतम स्वामी जी महाराज उनसे समर्पण सीखना है और श्री स्थूली भद्र जी महाराज उनसे शुद्धि सीखनी है क्या सीखनी है तन की शुद्धि मन की शुद्धि विचारों की शुद्धि आत्मा की शुद्धि देखिए विदर्शों हमारा दिन शासन है एक आदमी कोई 12 घंटे तक किसी विषय के साथ रहा हो और आपके पास आके बैठ जाए आपको मालूम है 12 घंटे वहां बिता के आया है एक बोल पता नहीं बोलना चाहिए किसी रावण के पास 12 घंटे बिता के आया है आपके बाजू में आके बैठना चाहे खाना खाना चाहे बैठने दोगे और वो 12 घंटे नहीं 12 दिन नहीं 12 महीने नहीं 12 साल तक एक विषय के पास रहे और आप उनका नाम भगवान महावीर के साथ गौतम स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है अगर शुद्धि की साधना सीखनी है तो स्थूली भद्र जी महाराज किनका नाम हमारे कितने ही श्रावक श्राविकाएं ऐसी हैं जो जीवन भर के लिए बड़े व्रत का पक्षपान लेती हैं कितने ही श्रावक श्राविकाएं ऐसी हैं चार महीने के लिए ब्रह्मचर्य शील व्रत का पालन करती हैं कितने ही श्रावक श्राविकाएं ऐसी हैं जो सावन भादव 2 महीने शील व्रत का पालन करती हैं हम क्या करें शुद्धि की साधना करें तन की शुद्धि मन की शुद्धि विचारों की शुद्धि आत्मा की शुद्धि ये प्रेरणा मिलती है इनसे स्थूली भद्र जी महाराज से कितनी बातें हो गई और चौथी बात अंतिम बात जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्म जिन शासन उसका एक प्रमुख सिद्धांत है उसका नाम है सम्यक दर्शन भगवान महावीर से साधना सीखनी है गौतम स्वामी जी से समर्पण सीखना है स्थूली भद्र जी से शुद्धि की साधना सीखनी है और जिन शासन से हमें क्या मिला है सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि
उसी का निर्माता हो गए ना। अगर दृष्टि में दोष होगा तो सारी सृष्टि ही। संतों ने कहा हमारे शांति ऐसा तो पहचान ही नहीं आया, जल्दी ध्यान से देखा तो सामने भी कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं कमाल है। अच्छा तो कोई बात नहीं, वो मेरे पास भी शिकायत ही है, मैं बोलूंगा पर बाद में अब अंत में बोलूंगा, झगड़ा अलग से करेंगे, सभा में नहीं करना, सभा में तो प्रेम दिखाना है ना पत्नी, सभा में क्या करना प्रेम दिखाना। तो वो खट्टा भी था हमारा चलता रहता आपस में, तो बात कर रहे थे रविवार के दिन हर स्थान पे प्रवचन होता है, प्रवचन तो रोज होता है, रविवार को थोड़ा विशेष होता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि रविवार के दिन जो भी 5 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के लड़के लड़कियां सामायिक करेंगे, लड़कियों को तो सीधा है आसन बिछाना मोमबत्ती लगाना, लड़कों के लिए धोती चद्दर मोमबत्ती आसन, जो भी बच्चे 5 साल से लेकर 15 साल तक के जो भी बच्चे सामायिक करेंगे उनको कम से कम 100 रुपए का कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाए। क्यों? क्योंकि बड़े जो हैं वो भावना से खुश होते हैं और बच्चे जो हैं, तो एक रविवार का नखरा अध्यक्ष जी है मंत्री जी है आपकी आज्ञा है, एक रविवार का नखरा मैं अपने मन से बोल रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया, इसलिए 11,000 रुपए जो भी बच्चे 50 हो 100 हो जो भी बच्चे सामायिक करेंगे उनको प्रभावना देना। तो पहला रविवार कौन लेगा जल्दी जल्दी बोलो, 11,000 रुपए सामायिक वाले बच्चों को प्रभावना देना। राजा जी नगर, पूरा नाम बोलो, युवा शंकर बस, राजा जी नगर युवा संघ की ओर से पहला रविवार उसकी प्रभावना उनकी ओर से होगी, बहुत बहुत साधुवाद, आगे की बात हम फिर करेंगे। तो रविवार को विशेष प्रवचन हमारे साहब ने संघ वालों को बोला, संघ वालों ने आनंद में कोई सेवादार है वर्मा ने, तो यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, वो सेवादार को बोला कि ये जाके बोर्ड पे लिख दो प्रवचन का जो विषय है वो रहेगा दृष्टि बदलो। क्या बदलो? अब वो सेवादार जो था एक तो हिंदी कम दूसरे दिखाई कम देता था, उसने जाके लिख दिया दृष्टि बदलो और जितने व्याख्यान में दृष्टि नहीं आते उससे ज्यादा सब इकट्ठे होते आ गए बाप जी ये कौन सा दया लोगे बाप ने निकाला। तो भगवान फरमाते जीवन को बदलना आसान है लेकिन सोच को बदलना दृष्टि को बदलना वो कठिन है। और हमारे महावीर कैसे, हमारे गंधर्व भगवान कैसे, हमारे गुरु भगवान कैसे, जीवन को कैसे जीना है इसकी सोच उन्होंने दी है, इसकी दृष्टि उन्होंने दी है। और केवल दृष्टि ही नहीं दी बल्कि सम्यक दृष्टि दी। क्या दी है? सम्यक दृष्टि। तो ये 4 बातों की आराधना साधना हमें छात्रवास भी करती है। आज की इस धर्म सभा में जो भी आए हैं जहाँ से भी आए हैं दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, बहुत बहुत साधुवाद। और इन शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दे रहा हूँ, बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन समय काफी हो रहा है, पूज्या माँ सती जी का भी विहार का समय निकट आ रहा है, इसलिए मंत्री महोदय इनको बोलना है केवल 30 सेकंड के लिए, एक भाई युवक संघ से कोई बोलना चाहती है वो बोलेंगे और फिर हमारी स्वर्ण संयम आराधक सेवा चक्रवर्ती परम पूज्य सर्वात्मा श्री वीरेंद्र मुनि जी नाथा आपका उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे, पचखान होंगे, मंगल पाठ होगा, ओम शांति। कल से प्रवचन का समय कितने बजे? 9:15 से 10:15 प्रवचन का समय रहेगा। प्रार्थना जो है वो रविवार से शुरू होगी, 20 तारीख से छात्रवास प्रारंभ होगा, उस दिन से प्रार्थना शुरू होगी, वो सारी बात हम कल करेंगे। हाँ जी फरमाइए सर। हमारे सेवा चक्रवर्ती धर्म प्रभावक स्वर्ण संयम आराधक परम पूज्य श्री वीरेंद्र मुनि जी नाथा अपना मंगल में आशीर्वचन हमें फरमा रही है, प्रदान कर रही है, बड़े ध्यान से प्रेम से श्रवण करेंगे।
विदेश के लोग भी मानते हैं, लेकिन आज हमारी मान्यता हमारे कुछ ऐसे कारणों से राजकीय के अंदर हमें कोई मान्यता नहीं है। पहले राज्यसभा के अंदर कितनी मान्यता थी, यह तो अगर एक व्यक्ति कोई किसी के लिए गवाह के लिए खड़ा हो जाता था तो राजा उसके बात को मानता था। आज आप सभा में खड़ा हो गए और राजा मानता है, नरेंद्र मोदी भी नहीं मानता। क्या हम सब किसान है? एकजुटता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे से आगे बढ़ने का, कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ने का, ये हमारे बीच में आ गया। छोटा क्यों आगे बढ़ गया? छोटा आगे बढ़ जाएगा हमारा नाम नीचे आ जाएगा, हमारा नाम बढ़ जाएगा, ये हमारे समाज के अंदर हो गया। ये हमारे समाज को जानने की जरूरत है और वो जगाने के लिए ये भगवान महावीर के सिपाही हम सब कौन है? भगवान महावीर के सिपाही है, महावीर के लाल है, महावीर के संतान है, आप सब और हम सब महावीर के संतान है। महावीर के फिर बात कह रहा है मद्रास के
कर रहे हैं सगर संघ है और सगर संघ की चातुर्मास की विनती से क्योंकि दो तीन साल से रहने की इच्छा थी कि चातुर्मास कराना लेकिन राजा के नगर में चातुर्मास होता है तो हम नहीं करा सकते इसलिए इनकी वो भावना थी तो इसलिए जब राजा के नगर में कहा गया कि यहाँ पे चातुर्मास नहीं है आप चातुर्मास करा सकते हैं तो ये 11 अप्रैल को बड़े मंदिर जहाँ पे जैन दीवार का रत्न विमल सेवा जहाँ बना हुआ है वहाँ पे जो है संघ उपस्थित हुआ था चातुर्मास की विनती स्वीकार की गई और चातुर्मास हुआ सहयोग से जो है आपको पुनः जो है वापस राजा के नगर में चातुर्मास भी आपको पुनः वापस मिल गया है बहुत खुशी की बात है नजदीक का छोटा भाई है आप बड़े भाई हो आप तो छोटा भाई है छोटा छोटा सा है तो जरा मेहनत दृष्टि मेहनत नजर रखना कि आपकी नजर रखना आपको अपना दृष्टि इतना सेवा सेवा का मौका देना अभी आप किसी और कर पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद सारा और अगर बोले मेरी सेवा में कुछ बुरा लगा हो तो बुरा तो नहीं वो शक्कर को भी बुरा बोल देते मीठी होती है तो सबसे समय है और अभी यहाँ से महासमंद जी के साथ में यहाँ करते हुए श्री रामपुर नगर के अंदर बता रहे हैं हमारी अध्यक्ष महोदय पूज्य महासती जी को विनती करें कि यहाँ पधारें जो भी उनको जाप करना है आप अपनी विधि से जाप करें और फिर एक साथ ही मंगल पाठ हो जाएगा एक साथ ही प्रस्थान हो जाएगा और आज इस धर्म सभा में भाइयों का तो बहुत नाम लिया स्वागत भी हुआ लेकिन जो मैं देख रहा हूँ एक प्रेस में माताएं बहने पधारी है चाहे वो महिला मंडल है बहु मंडल है और बालिका मंडल नजर नहीं आ रहा सेवा में है उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और राजर्षि नगर के जो मंडल हैं उनके अलावा बाहर से जो मंडल पधारे हैं वो कौन कौन है नहीं गुरु अम्बेश मेवाड़ महिला मंडल और मंजूनाथ नगर से भी महिला मंडल पधारा है तो गुरु अम्बेश महिला मंडल की बहने खड़ी हो जाए मंजूनाथ नगर की भी बहने खड़ी हो जाए जब तक महासती जी पधारे तब तक मैं यहाँ के महिला मंडल बहु मंडल की बहनों को कहूंगा आप पधारे और बहनों का बहुमान करें आइए इधर से लेके जाओ प्रशांत और वहां पे आगे पहुंचाओ हाँ जी सभी स्थिरता बनाए रखें महासती जी पधार रहे हैं उनको जाप करना है आज का उपवास जिनको पछता लेना उपवास उपवास आज का उपवास उपवास अवश्य अल्पहार लेकर हमें अधिक सत्कार औसत प्रदान करें और दैनिक सूचना
कल का प्रवचन कल से प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो रही है और बचपन बड़े माता ने करवा दिया है और आज की धर्म सभा में हुगली से भाई महेंद्र की शिवली कहाँ पे है आए नीचे गए हैं और श्री मानसा गौतम चेटी खालीवार जो बेंगलोर से ऊना से हमें जलियोर लेके आए जलियोर से बड़े माता पहले मैं चाहूंगा तो क्या मां सके जी हमारा पाठ करना है कृपा ज्ञान भाई अरे आप करवा दीजिए आपके सामने अपने मैं सारे सब है और जो पांच कर दे पहले आप करवा लो फिर बड़ा कर लीजिए फिर बड़ा सा कर लेंगे छोटा से पांच मारो तुम्हें तो करना है पांच काम अभी पांच काम के लिए बनवाने मत करो ये भाई पार्टी से पूरा कर नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो रुवच्छाय नमो लोये सर्वसामुनम एसो वंच नमस्कार सब पावकनासन मंगला नंज सब देसी मंगलम हमे मंगलम गुरुदेव के अज्ञा चट्टानी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साध मंगलम केवी पड़तो मंगलम चट्टानी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा केवी पड़तो लघुत्तमा चट्टानी शरणम भवज्जामि हरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साधु शरणम भवज्जामि केवी पड़तम हमम शरणम भवज्जामि चार शरणा दुख हरणा सुख करणा और इन शरणा को जो भवी प्राणी आग्रह तो अक्षय हमारे पूज्य महापाटिल जी मान साहब वो आज के इस पावन अवसर पे उन्होंने अपनी निष्ठा प्रदान की बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपके लिए शुभ समाचार है कि हमारे सेवा चक्रवर्ती परम पूज्य स्वर्ण संयम आराधक श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब तो पधार ही रहे हैं मेरा भी मन था मैं भी साथ चलूं लेकिन कमर के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने को डॉक्टर का निर्देश है तो हमारे श्रवण संघीय को प्रवर्तक सेवा समेत भोले बाबा पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब वो भी श्री रामपुरम पधार रहे हैं और मैं फिर आ जाऊंगा रक्षाबंधन पे या तो आप इधर आना नहीं तो मैं उधर आ जाऊंगा और इसी श्रृंखला में हमारे उप्रवर्तक श्री जी की सेवा में जो सेवादार भाई हैं श्री संतोष जी पारस भाई रवि भाई उनका बहुमान करना था लेकिन समय हो गया तो रविवार के दिन उनका बहुमान रहेगा इस तारीख को अब हमारे मधुर वक्ता मुनिरत्न श्री रुकेश मुनि जी महाराज जो तन मन से हर सेवा कार्य में सदैव तत्पर रहती हैं मंगल पाठ करवा रही हैं श्रवण करें नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो बुद्धाय नमो लोये सर्वसामुनम एषो पञ्च नमोकारो सर्व पापनाशनं मङ्गलानां च सर्वेषु परमं हवे मङ्गलं गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारि मङ्गलं हरिहंता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साधु मङ्गलं केवली पणतोध मङ्गलं चत्तारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा केवली पणतोध मङ्गलं चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पणतोध मङ्गलं शरणं पवज्जामि हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु शरणा केवली तृतीय आदि अर्जुन का शरणा ये चार शरणा दुख शरणा जो दुखनाय करे आराधन उसका आज है अमर कर जय दीवार पे प्रसिद्ध वक्ता परम पूज्य श्री चौथ मंडली मास्टर उनके शिष्य परिवार की ओर से गुरु पदम अमर शिष्य परिवार की ओर से श्री राजा जी नगर श्री संघ की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों श्रावक श्राविकाओं की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना आपका चातुर्मास यशस्वी बने जिन शासन की धर्म की प्रभावना हो गुरु गर्मी के नाम की प्रभावना हो और हर प्रकार से आपको सुख साता हो इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव की आज्ञा से नमियो न सुसुर गर्भगृहं परिवंदिये गए श्री सिद्धायनि उज्जाय सर्वसामुनम ओम नमो सिद्धाय सिद्धाविजय सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम्मी संतो चैता भारत वासम चटवटी मही दियो संति संति करण वे पत्तो वे मनोत्रम ओम हरिं शिव आरम श्री धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः ओम हरिं शिव आरम श्री अष्टनेमी नाथाय नमो नमः ओम हरि क्षेम अंबे जल गंगे शुभ शुभम करे हो पावन भूते रक्षक्ष गृह रक्षक्ष पिशाचे रक्षक्ष वैतारे रक्षक्ष शाकिनी रक्षक्ष दृष्टि दोषी रक्षक्ष कारणी रक्षक्ष जयं कुरु विजयं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु ओम हरि क्षेम अंबिकाये स्वाहा श्री आत्म गुरुवे नमः श्री आनंद गुरुवे नमः श्री गणेश गुरुवे नमः श्री मिश्री गुरुवे नमः श्री पदम गुरुवे नमः श्री रूप गुरुवे नमः
श्री अवर तुम्हें नमः गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केली प्रणतोधमो मंगलम चत्तारी उत्तमा अरिहंता उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहो उत्तमा केली प्रणतोधमो उत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहो शरणम पवज्जामि केवली प्रणतोधमो शरणम पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली कृपया दया धर्म का शरणा ये चार शरणा अपना और शरणा नी कोई जो भव प्राणी करे आराध्य उसका अजर अमर पद होए उसका सदा ही मंगल होए अंकुश ने अमृत से लंबी तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मनमानसिक फलदाता भावे भावना भावे ने भावे दीजिए दान भावे धर्म आराध्य भावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्राज्ञ जय धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जय ईशासनम जैनम जय ईशासनम। अब हमारे श्रवण संघ के प्रवर्तक भोले बाबा सेवा सुमेरु पूज्य श्री पंकज मुनि जी माता मंगल पाठ हमारे लिए श्रवण करें। और सुनाई कोई होगा जो भविष्य करेगा।